तो दोस्तों ये गाड़ी है महिंद्रा की बोलेरो SLX। हमने इसका गियर उतार रखा है, इसके गियर में दिक्कत आ गई थी तो आज हम इसके गियर के टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं। हम इसके गियर को पूरा बनाएंगे और हमने गियर को पूरा खोल रखा है, पूरा बिखेर रखा है। ये देखिए, ये अभी गियर की ज़रा सफाई चल रही है। ये देखिए, हम इसके गियर को फिटिंग करेंगे और ये वीडियो ही इस टॉपिक पे बन रही है कि हम इसका गियर फिटिंग कर कैसे होता है और कैसे बनता है, ये इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। तो दोस्तों ये गियर है महिंद्रा बोलेरो का NGT 520। देखिए गियर कैसे फिटिंग होता है। ये यहाँ पर हमने तीसरा गियर बिठा दिया है रोलर बेयरिंग के साथ। चेन शाफ्ट के ऊपर ये पूरे गियर जमते हैं सलंग। ये इसकी साइंक्रोनाइजर रिंग है जिसको देसी भाषा में कंगनी बोलते हैं। अब हम उसके बाद लगाएंगे इसका गियर सेलेक्टर, जो अपने गियर लीवर से अपन गियर लगाते हैं और गियर को सेलेक्ट करते हैं, वो सेलेक्टर ही रेडिया गियर सेलेक्टर। थर्ड गियर का वाइसर होता है, हमारे बहुत से भाई क्या करते हैं इसको ऐसे उल्टा करके लगा देते हैं। इसमें टेम्पर होता है तो ये टेम्पर की साइड से लगता है नीचे की तरफ ऐसे। तो बहुत से भाई क्या करते हैं कि इसको वाइसर को ऐसा रख देते हैं और फिर उसके बाद उसके ऊपर जो लॉक लगाते हैं, जो नॉर्मल लॉक होती है ये वाली, ये लॉक नहीं लगती है इसके ऊपर, इसके ऊपर लॉक आती है ये वाली। तो उससे क्या होता है कि प्ले नहीं आती है, इसको नहीं लगाना चाहिए। और इस वाइसर को जो है ऐसे नहीं, ऐसे लगाना चाहिए। उसके बाद फिर ये लॉक लगती है। दिखाने का तरीका बहुत आसान है, ये कैसे करके बैठ जाते हैं, बिल्कुल आसानी से बंद कर ला पेच कर देते। हमने लगाया सिलेक्टर, सिलेक्टर के बाद लगाया वाइशर, वाइशर के बाद लगी लॉक। अच्छा तो रख लेते हैं। ये सेकंड गियर बिठा दिया हमने, जो मेरी बात ये लग गया इसका सेलेक्टर। ये इसका फर्स्ट गियर है, अब इसको बिठाएंगे हम। ये लग गई इसकी सिंक्रोनाइजर रिंग। ये बैठ गया फर्स्ट गियर। ये इसके ऊपर लगेगा ये वाइसर। एक एक चीज एकदम डिटेल में बताएंगे। ये आ गया इसका बेयरिंग, काम कर लिया। बेयरिंग को बिठाएंगे। अच्छा बेयरिंग को बिठा दिया है, देखिए टॉप व्हील का बेयरिंग जो है साउंड बना रहा है और अटक रहा है। देखिए बस सपाटा मार दिया जी। ये टॉप व्हील का बेयरिंग भी चेंज करेंगे। ये बेयरिंग हमने चेंज कर दिया है उसका, टॉप व्हील का फोर्थ गियर का। इसके अंदर साउंड आ रहा था और ये अटक रहा था, ये लगा दिया हमने बेयरिंग, इसको चेंज कर दिया। चल हटा दे, हटा। नया बेयरिंग हमने बिठा दिया, इसमें लॉक लगाएंगे आप। ये बेड भी लाग, ये टॉप व्हील का नीडल बेयरिंग, ये टॉप व्हील के अंदर लगता है। ये बैठ गया बेयरिंग के अंदर। ये फोर्थ गियर की सिंक्रोनाइजर रिंग कंगनी वो वाली का वो। ये बैठ गया टॉप व्हील। ये फिफ्थ गियर का सिलेक्टर। अच्छा
एडजस्ट गियर का नीडल बेरिंग। कहानी कहाँ इसकी होगी निकली अभी? ये सिंक्रोनाइजर आई है ना इसकी। ये बैठ गया फिर गया। ये इसका काउंटर गियर है। मेन शॉफ्ट गिलास बैठ गई है। काउंटर गियर भी आ गया। लगाएंगे इसकी प्लेट। लगाएंगे टीवी तो ये प्लेट लगाएंगे हम। अब हम बैठाएंगे इसके पार्क ये और ये। जैसे एडजस्टर रॉड है ये इसके छर्रे सेलेक्टर रॉड के जो उसको टेंशन दे के रखते हैं जो गियर सटकने की समस्या आती है वो। ये सर्रा कभी नहीं बोलना। थर्ड फोर से टकने की समस्या आ जाती है। ये फार्क को लॉक करने के लिए चीरा पिन होती है जो सेलेक्टर रॉड को फार्क के अंदर लॉक करके रखती है जिससे हमारे गियर सेलेक्ट होते हैं। अब लगाएंगे हम फिफ्थ गियर। फिफ्थ गियर का छर्रा हमने यहाँ पे बिठा दिया। बिठाएंगे अब फिफ्थ गियर। सही बिठाएंगे नहीं तो बिठाएंगे। ये बैठ गया फिफ्थ गियर। तो चलो ये दो सारे लगाने होते हैं अंडी के अंदर। ये दोनों सारे सेलेक्टर रॉड को इस पोजीशन पे चलते लॉक करके रखते हैं इस पोजीशन में।
अब हम हंडी को बिठाएंगे। लवाज तरी चर्रे बिठा दिया अंदर, जो हंडी में बिठाए थे चर्रे, ये रहे दो लवाज तरी। स्प्रिंग वाली बिठा दे, वाली भी लाता बोल दे। लो उसके ऊपर की कैप दे बेटा, स्प्रिंग के ऊपर की, इधर से ये इधर हमने वाइशर लॉक के नीचे वाइशर और फिर लॉक टॉप व्हील में बैठा दिए हैं और ये भी बैठ गए, कर दो टाइट में। और सामने वाली फ्लांच पे एनामल लगा ले, ये काउंटर गियर के आगे भी एक और रिंग बैठती है, ये वाइशर काउंटर वाइशर हंडी की साइड। ये फ्लांच के ऊपर एक वाइशर आता है, इसे बोल लो बेटा सीम, सीम बोल सकते हैं। उठाओ उठाओ, हाँ जी सही साठ अंदे दस बैठ गई, कर लो सीधी, उधर कर उधर। लगा लगा बिल्कुल सही साइड बैठ गई, उसका बोल्ट वगैरह नहीं है सर, जब उठ कर लिया चौदह का कुलिंग से था, लंच बिठा दिया चलो लगा ही लगा। भी कैसा गया? भी कैसा गया? ठीक चलो अब गियर चढ़ाएंगे ऊपर गाड़ी में।